हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हमारे रियांश के रिलेटेड कोई भी अगर न्यूज़ निकल के आती है, इश्क में मजावा सीजन 3 से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज़ निकल के आती है, तो हमारे रियांश मास्टर्स वीडियो को आराम से ध्यान से देखते हैं। तो आप लोगों को बता दूँ, इस बार भी एक रियांश की न्यूज़ निकल के आई है कि इश्क में मजावा सीजन 3 में सेम कास्ट नहीं होगी। इट्स फाइनल गाइस, मतलब आप सोचोगे मुझे तो कोई अपडेट नहीं मिली। हम लोग इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर है, ममता मैम ने ऐसी कोई भी बात नहीं कही है। सो मैं आप लोगों को बता दूं, जो ममता मैम है वो हमेशा कोई अपने दो शोस रखती है रनिंग पर, मतलब जो भी उनका पॉपुलर हो, छोटा मोटा हो, जो भी हो, वो दो ही शोस जो है वो रनिंग पर रखती है। जैसे कुछ रंग प्यार कैसे भी सीजन 3 अभी सोनी पर आप लोग देख रहे हैं उसको, और एक शो है वो दंगल, एक चैनल है शायद, तो वहीं पर चलता है। सो कुछ रंग प्यार कैसे भी सीजन 3 ऑफ एयर जल्द ही होने वाला है, मतलब कि इसी मंथ या फिर अगले मंथ हो जाएगा। सो इस वजह से ममता मैम अब इश्क में मजावां सीजन 3 के बारे में सोच रही है। अगर इश्क में मजावां सीजन 3 आएगा तो रियांश के बिना कैसे आ सकता है। सो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर अपडेट की मानी जाए अकॉर्डिंगली, तो अपडेट्स के अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को अगर बताऊं, सो अपडेट्स में यही कहा गया है कि अगर इश्क में मजावां सीजन 1 में अर्जुन बिजलानी और जो अलीशा पनवर थे, तारा और आरोहित एक जो है ना केस बनाया गया था, अगर तारा कुछ चीज़ें करती तो उसका ब्लेम आरोहित पर जाता। तो ऐसा ही होता इश्क में मजावां सीज़न 1 में, तो क्या वो सीज़न 2 पे आए? ऐसा कुछ भी सीज़न 2 पर नहीं हुआ। सीज़न 2 पर एक नए नए चेहरे दिखाए गए, जैसे कि अरदीप जोड़ के फैंस थे, मतलब अरदीप आरोही और तारा के जो फैंस थे, उसके बाद मतलब अरदीप आरोही दीप ये सब के जो फैंस थे, वो लोग भी तो कितने ये सैड हुए होंगे। सो मैं आप लोगों को बता दूँ, जो हमारे रियांश का शो है इश्क में मजावां सीज़न 3 में, एक न्यू चेहरा लाए जाएंगे, न्यू एक्टर एक्ट्रेस लाए जाएंगे, न्यू स्टोरी होएगी। सो राहुल सुधीर ने तो कहा था न्यू स्टोरी होगी, तो मैं ज़रूर इश्क में मजावां सीजन 3 का हिस्सा बनना चाहूँगा। सो अलीशा क्या कहती है अब देखा जाएगा। सो म्यूज़िक एल्बम की अभी छोड़िए, अभी हमें इश्क में मजावां सीजन 3 पर फोकस करना है। म्यूज़िक एल्बम कभी ना कभी आ जाएगी, अलीशा भी फ्री नहीं है, इस वजह से म्यूज़िक एल्बम को टाला गया है, वरना शूटिंग होकर अभी तक आपका म्यूज़िक एल्बम 5-6 आ भी जाते, बस अलीशा के लिए नहीं आ रहे। सो कोई नहीं, हमें जो है ना वेट करना है, एंड इश्क में मजावां सीजन 3 जल्द आएगा। बट रियांश के साथ में और भी अपडेट्स मैं आप लोग बताती हूँ। तो जो रियांश है, रियांश म्यूज़िक एल्बम तो आ जाएगी, बट इश्क में मजावां सीज़न 3 एक शो है। सो आप लोगों को बता दो, अपडेट में आया है कि ममता मैम अपने दो शोज तो रनिंग में रखती है, अब एक शो तो उनका ऑफर हो रहा है। सो वो एक न्यू शो लाएगी और इश्क में मजावां सीज़न 3 ही लाएगी, मतलब एक शो का वो सीज़न 3 लाएगी। सो उसमें जो है ना सेम कास्ट नहीं होगी, ये जो है फाइनल करके दिया गया अपडेट में। ममता मैम के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहेगी तो अभी मतलब अरदीप जोड़ी आरोही और दीप की जोड़ी अर्जुन बिजलानी और अलीशा पनवार को ले सकती है इश्क में मजावां सीज़न 3 में एक न्यू कैरेक्टर के लिए, या फिर राहुल सुधीर एंड हला शाह को ले सकती है। सो उनकी मर्ज़ी, बट हमें थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए, बट जो ममता मैम चाहेगी वही होएगा, ये तो सभी को ही पता है। बट मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इश्क में मजावां सीजन 3 में अगर रियांश नहीं हुए तो शो जो है हिट नहीं जाएगा। हम लोगों को शो को सपोर्ट करना है, एंड ममता मैम से रिक्वेस्ट करती रहनी है, अभी सब लोग जो है म्यूज़िक एल्बम पर मत पड़ो भाई, क्योंकि हलेशा जब भी फ्री होगी तब ना 10-20-30-40 बहुत म्यूज़िक एल्बम्स आ जाएंगे। सो म्यूज़िक एल्बम को मतलब अभी लो, अभी जो है हमें इश्क में मजावां सीजन 3 पर फोकस करना है। ममता मैम को ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टोरी लगाओ प्लीज़ मैम, प्लीज़ आप हमारे रियांश के इश्क में मजावां सीज़न 3 पे लो, यही सारे अपडेट्स थे। एंड इश्क में मजावां सीज़न 3 विदाउट रियांश भी आ सकता है, सो ट्रेंड्स वगैरह करके कुछ नहीं होगा। ममता मैम से जो हमें रिक्वेस्ट करनी है रियांश के लिए, हैशटैग्स पॉपुलरिटी रियांश की बढ़ानी है, गूगल सर्चिंग वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को बढ़ानी है, एंड बहुत सारी चीज़ें और भी आप लोगों को करनी है, जो आप लोगों को करनी ही है हमेशा। यही था बस अपडेट।